इसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक लाइटिंग, ठीक है। तो बेसिक हाँ लाइटिंग सीखने, अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेके जा रहा हूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे ही ऊपर आ जा रहा है, तो बेटर देन मैं सीन में जाऊँगा सिंपल, ठीक है। और अगर यहाँ डालता हूँ गैस नाम से, यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये देखो आ गया। यस सर, इससे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कैमरे के पास में ही रहेगा, ठीक है ना। यस सर, कैसे आया पता है ना, यस सर, अभी मैं डायरेक्शन लाइट को हटा देता हूँ क्योंकि हम लोग खुद से लगाने वाले हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। डब्ल्यू किया, ऊपर लेके गया, हल्का सा रोटेट कर लेते हैं, डब्ल्यू यस सर, दिख रहा है। किया थोड़ा नीचे, ताकि एनवायरमेंट के साथ पूरी तरह से दिख सकता है। फिर से इसको रोटेट कर सकते हैं, दिख रहा है, यस सर, दिख रहा है। कोई खास चीज नहीं है, बेसिक ही है, यस ठीक है ना। सर, अब अगर चाहो तो दूसरा कैमरा, अगर लगाना चाहो तो दूसरा कैमरा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नीचे वीचे भी लगाना चाहो तो मैं क्रिएट करके एक और कैमरा ले लेता हूँ। ये कैमरा मैंने बाहर ही रख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने फोकस तो कर दिया इसको, डब्ल्यू किया, इसको नीचे रख देंगे, ठीक है ना। फोकस, यस सर, कहाँ रखना है, मैंने कहा इधर आ जाओ, थोड़ा सा रहो और थोड़ा सा इसको रोटेट कर दो इस तरफ से, यस इधर सर, हो मैं गया। तो मैं कहता हूँ एक काम करता हूँ, आगे ले जाता हूँ, बेटर देन, ठीक है। क्लिक यस सर, करके हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर रख दिया इसको कोने में, इसको भी रोटेट कर सकते हैं हम, डब्लू करके थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे, हल्का सा रोटेट, यस सर, और ये ठीक है। सारे व्यूज दिख रहे हैं हमें, ठीक यस सर, है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइट्स करूंगा, चाहो तो आप एक कोन चारों कोनों में फिट कर सकते हो, अपनी मर्जी होती है, ठीक है। ठीक है सर, मैं कैमरा को थोड़ा ऊपर ही ले लेता हूँ ताकि मैं मेरे बेसिक ऑब्जेक्ट्स नीचे रहे, ठीक है। जो भी लाइट्स लगाऊंगा नीचे लगाऊंगा, ऊपर वाले तो हमारे ऊपर है। तो ये मेन कैमरा हो गया, इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो रिनेम में चले जाओ, क्या नाम रखना है, कैमरा फर्स्ट या टू, जो भी लिखाना चाहते लग सकते हो, ठीक है ना। यस कैसे चाहे यही लिखा हुआ तो यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बकायदा इनके ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल डाल सकता हूँ, मुझे पता ही है, डाल सकते हैं ना। तो यस सर, ऑब्जेक्ट के मटेरियल ना डालते हुए मैं एक लाइट लगाऊंगा, कोई नॉर्मल डायरेक्शन लाइट लगा देता हूँ सिंपल। तो कैसे लगाऊंगा, लाइट्स में जाऊंगा, यहाँ होता है डायरेक्शन लाइट, लग गई, यस सर, सिंपल है। डब्लू कर सकते हैं हम लोग उसको, थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको ये लगाया, लेकिन मुझे कुछ इफेक्ट दिख रहा है, थोड़ा सा शाइन, ठीक है। इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि शेडो नहीं है, तो मैं नो शेडो की जगह हार्ड शेडो लगा सकता हूँ, हमारे पास दिखेगा कोई चीज़ क्या है क्या नहीं है। और लगाते हैं बेसिक में, गए राइट क्लिक टू क्रिएट लाइट्स, डायरेक्शन लाइट, ऊपर लेके आता हूँ, देखो अभी देखो और पहले देखते, कोई असर नहीं है ना। नहीं सर, लेकिन अगर पहले मैं कर रहा था तो क्या हो रहा था,
अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, सिंपल है, राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे लाइट्स लगाता हूँ, डायरेक्शन लाइट, तो देखो शाइन हो गया, तो यस सर, समझ में आ रहा है, यस सर, ठीक है ना। तो मेरे ऊपर है कि मैं कितना इसका ऑब्जेक्ट कितना ढीला कर रहा हूँ, कितना टाइट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये हमारे ऊपर होता है कि कितना रखना है। देखो दिख रहा है, यस सर, ये है डायरेक्शन लाइट। अब रियल टाइम करना है या बेक करना है वो तो मैंने तुमको लास्ट क्लास में समझा दिया था। यस सर, इसमें कलर्स के हिसाब से क्या करना है, मैंने थोड़ा सा येलो शेड दिख रहा है, यस सर, दिख रहा है, और शेडो को हार्ड शेडो में कन्वर्ट किया, आप समझ रहे हैं, यस सर, ठीक है। हार्ड शेडो को सॉफ्ट करेंगे तो हल्का सा ब्लर हो जाएगा, ध्यान से देखो। अभी यहाँ यहाँ पे देखना, ठीक है, यस सर, अगर मैं हार्ड करता हूँ तो, सर क्रिस्पिनेस हार्ड वाले में, ठीक है, तो हम सॉफ्ट रखेंगे, हार्ड नहीं रखेंगे, ठीक है। यस सर, स्ट्रेंथ चॉइस आपकी, कितनी रखनी है, तो मैंने कहा इतनी रख देता हूँ, डे टाइम में थोड़ा डार्क रखना है तो डार्क रख सकते हो प्रॉपर, ठीक है। यस सर, यस सर, अब मैंने इसको कितना ऊपर लेना है मेरी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे रखना है नीचे रखो, सन बढ़ गया वो, ठीक है। यस सर, अब मैंने क्या किया, इसके एक और डुप्लीकेट ले ली, क्या ले ली, डुप्लीकेट ले सकते हैं, यस थ्री सर, पॉइंट लाइट में क्या होता है, डुप्लीकेट ही होता है ना, यस सर, तो लेकिन मैंने इसको उल्टे की तरफ बना दिया, यस सर, मैंने इसको थोड़ी सी दे दी इसकी परछाई के हिसाब से, और इसको दे दिया थोड़ा इंटेंसिटी इसकी, कितनी करें 0.8 कर देता हूँ, इसको दे देता हूँ कोई दूसरा टोन, तो हमारे पास तो ब्लू टोन ही होता है, तो येलो और ब्लू टोन दोनों आ रहे हैं, यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है ना। यस सर, यस सर, अगर ये दोनों ऑफ हो, ठीक है, ऑफ हो मतलब लाइट बंद, बंद हो गई, यस सर, ऑफ का मतलब हो गया आप लाइट बंद कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, लाइट ऑन करते ऑन हो जाएगा, ब्लू ऐसा है और येलो डाल दूंगा तो थोड़ा ऐसा, ठीक है। तो अभी मैंने दोनों की लाइट्स बंद कर दी, तीसरी लाइट ले लेता हूँ, हम लोग कोई भी लाइट्स लगा सकते हैं, कल हमने एक लाइट पढ़ी थी जिसका नाम था हमारा लाइट प्रो, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन प्रॉब, प्रो, रिफ्लेक्शन प्रो, हाँ, तो इससे कुछ काम किया, सर मैंने लीव्स ही बनाई थी, इसे तो ऐड नहीं किया अभी मैंने, चलो कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट लगा रहे हैं पॉइंट लाइट, क्या लगा रहे हैं, पॉइंट लाइट, ठीक है, तो मैं बेसिक ऑब्जेक्ट में से किसी एक से कर सकता हूँ, या तो बेसिक ऑब्जेक्ट से या पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या लगा सकता हूँ, राइट क्लिक करके हम पॉइंट लाइट लगा सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर एक के साथ लगाना है, तो ये देखो पर्टिकुलर एक के ऊपर आ जाएगा, दिख रहा है, यस सर, अगर एक के ऊपर लगाना है तो, मैंने कहा नहीं यार मुझे बाहर ही लगाना है, तो पॉइंट लाइट लगाओ, तो ये सबके लिए आएगा, ठीक है, यस सर, किसके लिए आएगा, सबके लिए आएगा, आर करके छोटा कर सकते हैं, सॉरी इसको पहले सेट करना पड़ेगा हमें किसके साथ पॉइंट देनी है, तो ये इसकी रेंज है, कम हो रहे हैं, यस सर, यस सर, कौन सी वाली रेंज, ये वाली, ठीक है, यस सर, वहां से कम हुई, यहां से रेंज। तो मैंने कहा इसको एक काम कर दो, दूसरे लाइट्स में लगा देता हूँ, तो मैंने रेड लगा दिया, लाइट रेड, शेडो ऑब्वियसली हार्ड शेडो देनी हार्ड शेडो, सॉफ्ट देनी सॉफ्ट, ठीक है, रेंज यस बढ़ा, सर, तो पर्टिकुलर देखो किस तरह से आ रहा है, दिख रहे हैं, यस सर, इस तरह से लगा सकते हो आप, और अगर पर्टिकुलर उसी ऑब्जेक्ट के साथ लगाना है तो मेरे को पता ही ये बात बात, तो कौन सा ये वाला है, देखो
तो हमारे ऊपर है कि हम कितना ज़्यादा उसको साथ छिटकानी करना चाहेंगे। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के साथ जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, लाइट्स लगाता हूँ, पॉइंट लाइट लगा देता हूँ। तो देखो चमक गया। यस सर। इसके अंदर मेरी मर्जी है कितना लगाना, कौन सा लगाना, मैं रेड लगा लेता हूँ। देखो अब इसमें मेरी इच्छा है कि कितना इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देना है, तो रेंज हमारे ऊपर है, घटाना बढ़ाना। तो मैंने कहा इसको इतना घट बढ़ा देता हूँ। देखो यस सर। पता कैसे लगेगा, ये कैमरा है देखो, ये कैमरा है देखो, और तीसरा हमारा एक यहाँ पे है, ये देखो चमक रहा है वहाँ पे। यस सर। ठीक है ना। यस सर। यस सर। अब अगर कोई स्पॉट लाइट लगानी हो मुझे तो क्या करना चाहिए, तो वापस सेम चीज बाहर बाहर ही ले लेता हूँ, काम करता हूँ इसको बाहर। तो बाहर के एनवायरमेंट में अलग है, मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ, और वहाँ अंदर लगा देता तो पर्टिकुलरली उसी के लिए हो जाता, फिक्स हो जाता फिर वो। ठीक है। अब मैंने कहा ऐसे ही ऑब्जेक्ट में जाके अगर मुझे स्पॉट लाइट लगानी हो, तो अब समझ में आ रहा है ना पर्टिकुलर और अलग से का मतलब, यस सर। यस सर। मैं अलग से ना अलग से ही लगा देता हूँ। ठीक है ना। बाहर क्लिक करके राइट क्लिक करके स्पॉट लाइट, तो ये हो गया स्पॉट लाइट। देखो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ है, फिक्स हो गई। सर यानी ये एक ही पॉइंट पे आएगी, हाँ एक ही पॉइंट पे आएगी, मतलब एक ही सर जैसे ऑब्जेक्ट पे। नहीं बेटा ये इसको तो हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, हम बढ़ाएंगे वैसे ही, इसका अच्छा रेंज है भाई, रेंज है कितना बढ़ाना है। जैसे सबका रेंज होता है ना वैसे इसका भी रेंज होता है। स्पॉटलाइट तो हम इसको रोटेट भी तो कर सकते हैं। हेलो कितना रेंज बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है बताओ। ओके। स्पॉटलाइट इसलिए होती है कि अगर मुझे पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट फोकस में दिखाना हो तो। ठीक है। यस सर। यस सर। शेडो है तो सॉफ्ट शेडो दे देता हूँ। देखो आ गई, कलर मेरी इच्छा है तो मैंने थोड़ा सा येलो शेड दे दिया, रेंज बढ़ा दी, मतलब पावरफुल बढ़ाना है तो पावरफुल बढ़ा दिया। दिख रहा है ना। यस सर दिख रहा है। जैसे कि मैंने इसका ये वाला ऑब्जेक्ट है, कौन सा वाला, ये वाला, इसमें भी करना है मुझे यही चीज, तो मैं इसके अंदर इसको पकड़ूंगा वापिस। वही हमारे पास डुप्लीकेट का शॉर्टकट होता ही है, क्या होता है डुप्लीकेट का शॉर्टकट, कंट्रोल डी। ठीक है। यस सर। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देखो कौन सा को करना है, इसके साथ करना है, इसके साथ करना है, मर्जी है। और यस सर। इस कैमरे को खोलेंगे तो देखो। ठीक है। यस सर। ये कैसे दिखा, अगर मैं ये ऑन कर दूं तो मुझे दिखेंगे, नो सर। दिखेंगे सही, लेकिन लाइट बहुत लाइट होगा क्योंकि भाई मेरा सनलाइट डायरेक्शन लाइट ऑन है ना। और ऑन कर दिया, और ऑन कर दिया, तो हमारे ऊपर होता है अगर इसमें इनको भी ऑन कर दूं और इसको मैं ऑफ कर दूं तो हमें दिखेगा प्रॉपर। देखो इसको इसको यस सर। ये ऑन ऑफ जरूरी है, अगर ये बंद हो गया तो फिर इनको बंद करते रहो। और इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, देखो कुछ खास पड़ा नहीं है, लेकिन जैसे इसको ऑन किया तो पड़ा गया, वो पूछेगा सर। लाइट है ही नहीं, ये तो पर्टिकुलर एरिया पे, मैंने कहा डायरेक्शन लाइट है हमारे पास तो ऑन कर दी। और जो दूसरी वाली है इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसको कम कर दो, हाई क्वालिटी ज़्यादा है लो क्वालिटी कर दो, तो लो हो गई। ठीक है। हाई यस वैसे सर। थी लो ऐसा हो गई, दिख रहा है ना। तो यस सर दिख रहा है। यस सर। ये हटाने हैं तो हटा दो, देखो नॉर्मल करना है तो ये से रफ रफ दिख रहा यस सर। है, नियर टेक्सचर को सेट करना है वो मर्जी है। ठीक है ना।
यस सर। उसी के लिए मैं फिलहाल इसको हाइड कर लेता हूँ ताकि मुझे चीजें दिखती रहे। एक लाइट है ना। अब मैं एक और बता देता हूँ, शायद मैंने इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, जिसका नाम है एलिमिनेशन लाइट। यस सर। तो आपको उसमें कोई डाउट है? डाउट है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं सर, डाउट नहीं है। शिवान साहब को? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट लाइट बचती है अपनी एरिया लाइट। तो एरिया लाइट क्या होती है? पर्टिकुलर एरिया पे डिसाइड होती है। किसको होती है? एरिया पर डिसाइड होती है। ठीक है, तो मैं इसको भी हाइड ही कर देता हूँ ताकि मुझे चित्र दिखे। ये बस किस लिए होती है? ये तो बताएगा, मैक्स में पढ़ा होगा, किस लिए होती है लाइट? सर की लाइट के लिए यूज़ करने के लिए जी सर, जो 3 पॉइंट लाइट होती है ना, जिसमें की लाइट होती है वो। पॉइंट लाइट में क्या होती है? की लाइट, यस सर। की फिल रिम, ये कह रहे हो? देखो यस सर। किसी में भी चेंज हो जाती है। यूज नहीं हो रही, कोई बात नहीं, चलो इसको अभी देखूंगा, तब बन जाऊंगा। फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं। एक्चुअली मैंने जो एरिया लाइट है ना, पर्टिकुलरली इसलिए यूज की जाती है जब आपके एनवायरनमेंट में कोई खिड़की होती है ना, यस सर। उसमें से ऐसा लगे कि रोशनी अंदर आ रही है कोई। ठीक है, ओके सर। इसलिए एरिया लाइट लगाई जाती है। तो इन चार बेसिक लाइट्स में कोई डिफरेंट दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नो नहीं है। ठीक।